PhoneFix Hyderabad, Android MMC and iPhone Training Center, and ISO 9001-2015. India's best mobile repair training center. Join today, join immediately for your better future. Thank you very much. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन लेकर मैं यहां पे आता हूं। जैसे कि आज देख सकते हैं Y12S हैंडसेट है हमारे पास वीवो का, जो कि ऑन करने पे रिकवरी मोड में चला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे। तो इसमें फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम है, हार्डवेयर का कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, पावर की वगैरह बैटरी वगैरह का कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। और ये जो हैंडसेट है फ्रेंड, हमारे एक फॉलोअर है जो कि यूट्यूब के फॉलोअर है, उन्होंने ला करके हमको इंस्टीट्यूट पे ये सेट दिया है कि उनसे इस तरह से ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम सबसे पहले इसका MMC खोलेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि ये इनके पास अनलॉकिंग के लिए आया था, और अनलॉक करने के बाद फ्रेंड्स ये हैंडसेट इनका इस कंडीशन में आ चुका है। फ्लैशिंग इन्होंने करके देख लिया है, जो जो ये कर सकते थे इन्होंने सब कुछ कर लिया है। कोई PCB में शॉर्टिंग वगैरह, लीकेज वगैरह कोई नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें MMC के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग में छेड़खानी की गई है, इसी को हमको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो का हैंडसेट है, क्योंकि नॉर्मल IC होती नहीं है, इसमें पेस्टेड IC होती है। तो इसके अंदर आपको वाइट पेस्टेड इसमें मिलेगा ग्लू। आपको सबसे पहले IC के आसपास का ग्लू कट करते हैं, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लू यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली करते हैं और जेन्यून करते हैं, जो भी बताते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं IC अभी तक यहाँ पे निकाली नहीं है, तो इसको निकालेंगे, उसके बाद बोर्ड को क्लीन करेंगे, IC को क्लीन करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर UFI के थ्रू इसको बनाएंगे। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, हो सकता है आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पेस्टेड IC किस तरह से खोली जाती है, यहाँ पे आपको लाइव हम बता रहे हैं IC को खोल के। उसके बाद IC क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स UFI में कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से अगर आपको सीखना है इस तरह से प्रोग्रामिंग, या फिर हैंड स्किल का काम सीखना है, सॉफ्टवेयर का काम सीखना है, तो जल्दी से कॉल उठाइए। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, 3 नंबर में से किसी पे भी व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए, या फिर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही कम फीस रखी गई है इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर मोबाइल ट्रेनिंग की फ्रेंड्स। चिप लेवल, एडवांस लेवल पर काम होता है हमारे यहाँ पर। जैसा आप देख सकते हैं, ये पेस्टेड IC हमने उठा लिया है, उसके बाद इसको क्लीनिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में करता हूं, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसे हमने प्रोग्रामिंग की है UFI के थ्रू, और एक प्रॉपर अगर काम सीखना है ज्वाइन करना पड़ेगा आपको PhoneFix हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, डिटेल ले लीजिए, और जब आप लाइव हमारे पास आएंगे सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MMC हमने एडाप्टर में लगा ली है, और यहाँ पे UFI का MMC टूल हमारे पास यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया है इसको, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड का कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रहा है, और हेल्थ भी यहाँ पर चेक करके बता देते हैं आपको, इसका हेल्थ भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई 90% वगैरह का एरर इसमें नहीं है। तो फ्रेंड, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं मोबाइल को बनाने के, जो कि आपको क्लास में लाइव सिखाया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जब तक आप प्रैक्टिकल काम करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा यहाँ पर हाइड किया है, क्योंकि अगर आप जब ज्वाइन करेंगे आपको लाइव क्लास में सब कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग जो है
कर लिया है और यहाँ पे अब वो इमेंसी हम लगाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हैंडसेट हमारा यहाँ पे बोर्ड क्लीन करके रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे आईसी को लगा देते हैं और लगा करके चेक करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हैंडसेट हमारे पास जब आया तो किसी और टेक्नीशियन के पास जाकर आया है। इसमें ऑलरेडी इन्होंने ISP वगैरह से या USB से कुछ इसमें काम किया, इसको अनलॉक करने की कोशिश की गई और अनलॉक करने के द्वारा इसकी जो अंदर की फाइलें हैं पार्टीशन है उसको करप्ट कर दिया। इसके कारण ये हैंडसेट डायरेक्टली रिकवरी मोड में जा रहा था। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हम प्रोग्रामिंग करके लगा दिए हैं। उसके बाद हैंडसेट को ऑन करेंगे और ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। इससे आपको जैसे हमारे चैनल पे नया वीडियो आते रहते हैं, हर एक दिन नया वीडियो आते रहता है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो भी होता है जेन्युइन वीडियो होता है और आपको प्रैक्टिकल हम काम करके आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा PCB को कूल होने देते हैं, उसके बाद इसे फोल्डर में फिट करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, अगर आपको डिटेल चाहिए, कोर्स का डिटेल चाहिए, आप व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल दे देंगे। और हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट होता है, रहने का कोई चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और आप प्रैक्टिकली कुछ हैंडसेट ला सकते हैं, 10 से 15 हैंडसेट अपने साथ बनाने के लिए। कुछ प्रॉब्लमेटिक मोबाइल है जो आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हैंडसेट अपने साथ लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं ये हैंडसेट में लोगो वगैरह आता है कि नहीं आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का लोगो आ चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है। चलिए इसका पावर की प्रेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वीवो का लोगो वगैरह आता है कि नहीं आता है, मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा चार्जर निकाल देते हैं यहाँ से और उसके बाद ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ पे एक बार बैटरी वगैरह रिमूव करके वापस से हम इसे ऑन करेंगे। ये देखिए लोगो यहाँ पे ऐसे ही अटका हुआ है, चार्जिंग का लोगो। तो एक बार बैटरी निकालते हैं, चार्जर निकालते हैं और उसके बाद ऑन करके फिर चार्जर लगाते हैं। हो सकता है इसमें चार्जिंग वगैरह हो या नहीं हो, क्योंकि पता नहीं है, काफ़ी टाइम से डेड है हैंडसेट, मतलब लोगो तक तो आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीवो लिख के आ चुका है और देखते हैं कि आगे बढ़ता है या वापस से रिकवरी में जाता है। वापस से रिकवरी में जाता है तो हमें देखना पड़ेगा, या फिर हमने जो प्रोग्रामिंग की है, जो हमको फॉल्ट मिला था उसको हमने वापस से रिपेयर किया है, ऑन होता है कि नहीं होता है हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड लोगो यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक वहाँ पे रिकवरी में जा रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड लोगो यहाँ पे आ चुका है और अभी हमारा हैंडसेट यहाँ पे ऑन भी हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं ये हैंडसेट ऑन चुका है, हेलो के लोगो पे आ चुका है और हम इसे सेटअप कर लेंगे। सेटअप करने के बाद पूरा ऑन कर लेंगे और देखते हैं हमारा मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो जाता है कि नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। फ़ोन फिक्स की टीम आपके लिए कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन लेकर आते रहती है और आगे जा कर के आपको बहुत सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इमरजेंसी प्रोग्रामिंग में आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, जो कि शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आना है आ सकते हैं, अभी बुकिंग चल रही है फेब्रुवरी बैच की, चाहे तो अपना सीट कंफर्म करा सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, सारी डिटेल ले लीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए एक इंडिया की फास्ट ग्रोइंग एंड अपडेट जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने आप को अपडेट करिए, अपनी इनकम को अपडेट करिए। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।